बहुत ही डिसअपॉइंटिंग। इनकी जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने आपने देखे क्या गाने, उन्होंने ऐसा इनको क्लास किया, उन्होंने कहा इससे फजूल गाना नहीं बन सका। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा एक ट्रेडमार्क सेट करना होता है जो आप, इन्होंने पंगा ले तो लेकिन संभालना नहीं जा रहा वर्ल्ड कप इनसे, हमें लग रहा है। और ये इनकी स्ट्रॉन्ग चीज है, बॉलीवुड गाना नाच गाना बजाना इनका एक्सपर्टीज में, इनकी एक्सपर्टीज है। तो अगर आपने वही उसमें नहीं आप कर सकते तो फिर आप कहां गए। दूसरा भी आउट हो गया, सोएब की प्रेडिक्शन थोड़ी गलत नजर आती नजर आ रही है। इन्होंने कहा था कि 10 ओवर में 60 करेंगे और विकेट नहीं गिरेगी। मैं इस पे बड़ा वो हूं, वो हैरान होंगे, वो 250 पौने 300 250 पे उन्होंने कहा है। मुझे तो लग रहा था कि 300 वाले स्कोर होंगे, 320 तक लास्ट प्लेयर का मार्क बोर्ड है, वो भी खेल सकता है। पाकिस्तान है क्योंकि दिल है पाकिस्तानी, वो तो मजबूरी है। जॉनी बेस्टो बहुत एक्सप्लोसिव किस्म के प्लेयर, यार देखें ना आप इसकी टीम देखें, डेविड मिलान, बेस्ट्रो, जो रूट, हैरी ब्रूक, जॉस पटर, लिविंगस्टन, मुइन अली, सैम करन, वोक्स भी बैटिंग करता है, आदिल रशीद की फर्स्ट क्लास सेंचुरी है, आदिल रशीद बड़ा मार्क वुड है, लास्ट मार लेता है। तो आप देख ले बॉलर ना, ऑलराउंडर ढेर दिखना है उन्होंने भी टीम में। अच्छा बेन स्टोक्स नहीं खेला आज, बेन स्टोक्स का जी मसला ये है, बेन स्टोक्स का मैं आगे बताता हूँ। बांग्लादेश के खिलाफ जो वार्म अप मैच हुआ है उसमें ना बेन स्टोक्स को कोई फील्डिंग करते हुए एक हिप निगल है, जो कि बॉलर्स को ज़्यादातर पड़ता है या बैट्समैन को कम ही ये मसला होता है, बॉलर्स के साथ ये मसला। बेन स्टोक वॉज नॉट 100% फिट। कल रात को जो टीम की सिलेक्शन के बारे में खबरें आ रही थी उनमें से एक मेन खबर यही थी कि शायद बेन स्टोक्स को ना खिलाएं, वो चांस नहीं लेंगे क्योंकि इंजर्ड होने का डर है। वर्ल्ड कप बहुत लंबा है, ये 45 दिन का वर्ल्ड कप है, प्लेयर्स की फिटनेस, कप्तान, कोच, टीम मैनेजमेंट ये फंसेंगे कहीं ना कहीं जाकर, क्योंकि और उनको आदत भी नहीं है इस गर्मी में खेलने की, तो मौसम इतना भी वहाँ पे अच्छा नहीं है, प्लस वो है भी थोड़ा सा मतलब फुली फिट नहीं है। अच्छा उसको बॉलिंग भी करानी है, पूछना है कि वो रविंद्रा बॉलर भी है या बैट्समैन है सिर्फ, उसकी कुछ समझ नहीं आ रही, उसकी समझ नहीं आ रही मुझे। वो जब खेलता है तो ऐसा लगता है बैट्समैन है, ऑफ स्पिन है, उसने उस दिन 100 किया है, हमें 97 किया उसने। अच्छा वो ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करता है और ऊपर आके बैटिंग भी करता है, ये अपने प्लेयर से बात है कि एक इतना अच्छा ऑफ स्पिनर हो और ऊपर आगे ओपनिंग में बैटिंग में करे, वो अच्छा टैलेंट है क्या नहीं आपके अलावा आपको तो हमने पाकिस्तान टीम में देखा ही देखा है। नहीं नहीं ऐसा पॉसिबल है, ये मतलब होता है कि बॉलर भी आगे ओपन करे, मतलब अभी तो नहीं गली मोहल्ले वाले क्रिकेट में तूने पहले बॉलिंग लिया तू बैटिंग एंड में लेगा, मुझे लगता है वहां मैच में ट्राई किया, कायनात 1 बॉय 0 हम एक गोल से हार रहे हैं फिलहाल हम मुझे पर्सनली फील होता है कि ना मतलब वार्म अप मैच में उसको खिलाया टेस्ट किया वो चल गया है, तूने पहले बॉलिंग की अच्छा प्रॉपर नहीं खेलेगा। हमें आप ये बताएं थोड़ा टीम के बारे में, क्योंकि आप क्रिकेट खेली हुई है, ये जो मेंस टीम में पॉलिटिक्स होती है और प्लेयर सिलेक्शन पे बातें होती हैं, इसको खिलाओ उसको ना खिलाओ, तो ये वुमेंस टीम में भी यही मामला होते हैं, सिलेक्शन इसी तरह होती है या फिर आपका रिलेटिवली इजी है कि परफॉर्म करो टीम में आओ खेलो? नहीं जाहिर है आप परफॉर्म करोगे तो आप ऑटोमेटिकली लोगों की नजरों में आ जाओगे, लड़कियों का पूल इतना बड़ा नहीं है। और बड़ी टीम्स का चलें आपसे थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंसेस पूछते हैं, आपने जितने मैच खेले हैं आपको कौन सी टीम ऐसी एक्साइटिंग लगती है जो जहाँ पे आपका दिल करे कि मुझे इनसे मैच खेलने में मजा आता है, और कौन सी टीम ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कि ना ही मैच हो बच्चे तो ठीक है? मेरा नहीं ख्याल कि मैंने ऐसे कभी सोचा अपनी अपनी लाइफ में, क्योंकि जब मैं अंदर जाती हूँ ना फील्ड पे तो मेरे दिमाग में ये होता है यार एक आगे का बॉलर एक पीछे का बॉलर दोनों खेलने सिंपल प्लेयर के माइंडसेट की बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट जी, प्रेजेंट मोमेंट ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की है। अच्छा प्रेशर नहीं होता तो आप किसी, क्योंकि मैंने आपसे वो दूसरी ट्रांसमिशन में भी सवाल किया था कि प्रेशर जब आ जाए एक दफा तो आप अंडर प्रेशर आ गए, आपको बैटर ने दो छक्के लगा दिए तो मेरे जैसा प्लेयर तो कहेगा बस मेरी चार बॉलें किसी तरह ओवर की खत्म, वो ही पाकिस्तान को हमने देखा है कि ये शादाब की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा होता था कि वो दिल में कह रहा होता होगा कि यार मेरा ओवर आ गया या मैंने चुक लिया नहीं ये कहना वैसे बताएं, ये प्रेशर जो आप पे आता है मैच खेलते हो किसी भी किस्म का, बॉलिंग पे प्रेशर आ गया, बैटिंग पे आ गया, तो इसको क्या कंट्रोल करने के लिए कोई ट्रेनिंग खास दी जाती है आप लोगों या खुद ही आप इनर सेल्फ होता है कि सारा कि हम खुद ही कंट्रोल करेंगे क्या नहीं, ये आपके अपने इंडिविजुअल पे होता है, इस पे आपको बोर्ड वगैरह कोई ट्रेन नहीं करता है कि भाई अगर प्रेशर हो तो उसमें कैसे निकलना है, वहां पे भी लेक्चर्स होते हैं, मोटिवेशन लेक्चर्स होते हैं, उसके अंदर भी आपको सिखाया जाता है, लेकिन आपके बेसिकली ना आपके इंडिविजुअल पे होता है कि आपने ऑफ द फील्ड कैसे रहना है। ठीक है, अगर आप ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन है ना तो आप ऑन द फील्ड ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन नजर आते हैं, जरूरी है। हमारे प्लेयर्स का हमने देखा ऑन द फील्ड बड़ा ठीक होते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि आपने
ऑफ द फील्ड भी अपने, जैसे हम कहते हैं ना जिम जाना इज नॉट एन इशू, जिम जाने के बाद जो पूरा दिन रूटीन फॉलो करना है दैट इज द प्रॉब्लम। डाइट आपने फॉलो करनी है, आपने एक रूटीन फॉलो करनी है। तो क्रिकेट खेलना दिन में 2-3 घंटे आई एम श्योर खिलाड़ियों के लिए मस्ता नहीं होता, लेकिन ग्राउंड से बाहर निकल के अपनी लाइफ को और अपनी डाइट को मेंटेन करना और एक डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ गुजारना, वो मसला है। और जो प्लेयर ये करते हैं हमने देखा है वो नंबर वन है। विराट कोहली द मोस्ट डिसिप्लिन क्रिकेटर उनको कहा जाता है कि इस एरा का तो खास तौर कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स टाइप इस तरह की चीज़ें नहीं, पानी पीता है वो, सैलड खाता है, प्रोटीन डाइट भाई वो महंगे वाला पीता है, विराट तो पानी नहीं पीता, वो मेरे और आपकी तरह जाके वो नहीं किसी को कहेगा पानी बिल्कुल पार्क में कूलर लगाते हैं, वो पार्क में कूलर लगा होता है पानी नहीं पीता वही ना, वो तो पिएगा अच्छा पानी ठीक है, लेकिन वो डिसिप्लिन प्लेयर बिल्कुल, वो हमें पता है कि वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता है और ग्राउंड के अंदर बाहर फील्डिंग करता है, और कई लोगों को ना खुद ये आदत